कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में बीते दिनों हुए विस्फोट में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां की मस्जिद में लो ग्रेड का विस्फोटक पदार्थ जो है वो रखा गया था, जिसमें विस्फोट हुआ। गनीमत ये रही कि विस्फोट नमाज पढ़ते वक्त नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं मस्जिद में विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट होने की सूचना पर एटीएस और बम निरोधक दस्ते की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और गहन छानबीन भी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद के मौलवी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मौलवी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। परसों थाना तुर्कपट्टी के ग्राम बैरागी पट्टी की मस्जिद में धमाका हुआ था, इसकी सूचना मिली थी तो पुलिस स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची थी, तो उसको बताया गया था कि यहां स्टोर रूम में बैटरी पुरानी रखी थी, इसमें विस्फोट हो जाने से घटना घटी है और खिड़की दरवाजों के शीशे टूट गए थे। तो मैंने वहाँ फॉरेंसिक टीम अपनी और अपना फील्ड यूनिट की टीम लेके गया था, साथ में मैंने BDDS की टीम गोरखपुर से बुला ली थी। तो सारी टीमों के द्वारा जब छानबीन की गई तो पाया गया कि यहाँ विस्फोटक पदार्थ था जिसमें विस्फोट हुआ है।